15 कलर मैंने कॉम्बिनेशन कलर लेके आया है। इस दीवारों पे जो लाइट कलर जितना होगा कलर, अगर आपको घर में पेंट कराने समय उतना ही कलर आपका घर यानी लुक लगेगा। तो सबसे पहला जो कलर है 1P1919 का, जो कलर के साथ कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग हो जाता है 4A9069। जो अगर कभी भी किसी भी रूम पे अगर फ्रेंड की वॉल पे कलर चेंज में लगाना चाहते हैं तो रूम में कलर लगने वाला जो लाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन कलर मैंने यहाँ पे मैच करके नंबर के साथ में बताया है। तो साथ ही साथ और एक कलर आता है जो कि इसी में लाइट कलर में मैचिंग होता है, जिसका नाम है 1P1909। जो ये कलर का नंबर थोड़ा सा लाइट है मगर ये बड़े बड़े हॉल में अच्छा लगता है। इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाला कलर है 6D1391, जो कलर इसके साथ बहुत ही अच्छा लुक लगने वाला है, जो कि डार्क कलर पर्पल में आता है। जो लाइट कलर जो इसके साथ मैचिंग हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट के अंदर मिक्स आता है। ये हाफ व्हाइट कलर है जो तीन दीवारों पे लगेंगे और जो फ्रंट वॉल पे लगने वाला कलर है वो डार्क होगा। साथ ही साथ और एक सेकंड जो कलर हमने चुन निकाला है वो है 4P10108, जो कलर फुल लाइट कलर है। ये पिस्ता कलर में आता है, जैसे कि ये ग्रीन साइड में आता है, जिसमें इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन के लिए 3A0824 जो कलर इसके साथ मैचिंग होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मेहंदी कलर कहते हैं इंडिया में। जैसे कि अगर आप किसी से दूसरी कंट्री से अगर कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो ये सारे जो कलर है सिर्फ बर्जर में नंबर से मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग नंबर से होते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए और एक कलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके साथ कलर कौन सा अच्छे अच्छे मैच होते हैं। ये सारे नंबर अगर आप नोट करके डीलर के पास जाके ले सकते हैं। जो ये व्हाइट ज़्यादा में आता है, जो थोड़ा सा हल्का कलर इसमें नज़र आएगा 8P1809 कलर के साथ। इसके साथ जो मैच होने वाला डार्क कलर है 1D0502, जो इसके साथ फुली कॉम्बिनेशन कलर होगा। इसी के साथ चाहे तो आप कॉपी कलर भी लगा सकते हैं, मगर ये कॉपी के अंदर ही थोड़ा सा हल्का सा रेड शेड में आता है, जो बेहतरीन आपके कलर और लुक और रूम में नज़र आने वाला है। तो चलिए और एक कलर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 5B0289 जो कलर इसके साथ जो ये थोड़ा सा हल्का ब्लू लेस साइलेंट कलर में आता है, इसके साथ जो कलर मैचिंग होने वाला है 5D1103, जो इसके साथ फुल ही कॉम्बिनेशन कलर है। इसके साथ जो भी मैच होने वाला है ये कलर, ये फुल ही मैंने कॉम्बिनेशन कलर बहुत सी चुन चुन के निकाल के नंबर के साथ दिखाया है। अगर आपको ये जितने भी नंबर कलर पसंद आ रहे हैं इसको नोट करके आप जाके डीलर के पास ले सकते हैं, जो फुल ही कॉम्बिनेशन कलर होने वाला है। तो चलिए और एक कलर की तरफ बढ़ते हैं, 8P0345 का कलर। ये फुल लाइट कलर होता है जिसमें ग्रे मिक्सिंग ज़्यादा होता है। इसके साथ कॉम्बिनेशन कलर होने वाला है 8T1828, फुल डार्क ग्रे कलर में आता है, जैसे कि ब्लैक शेड में चला जाता है। तो ये कलर इसके साथ फुल कॉम्बिनेशन कलर होने वाला है। अगर आपको चाहिए तो नोट ज़रूर करके लेके आना और मुझे जो कलर आपको पसंद है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए और एक कलर की तरफ बढ़ते हैं, वो कलर है 6P0169। ये कलर बहुत ही साइलेंट कलर है, बड़े बड़े हॉल में इसको बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगने वाला है। इसके साथ जो कलर पसंद आने वाला है, जो लाइक होने वाला है, इसके साथ जो शूट होने वाला है, वो कलर है 4A2104। ये जो कलर है इसके पहले में जो बताया वो कलर अलग था और इसी के साथ साथ में थोड़ा अलग है, ये ज़रा ज़्यादा डार्क का आता है। तो और एक कलर भी हम बताते हैं, जैसे कि अभी अभी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गड़बड़ी में कुछ और कलर लेते हैं। मेरा फेवरेट कलर यानी कि मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो कलर है ये 4P0119। ये साइलेंट ग्रीन में आता है, जिसमें इसकी रोशनी ज़्यादा होती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, इसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लुक है। इसके साथ जो कलर भी चाहिए आप मर्जी का, डार्क कलर हो या फिर इस तरह का, आप से देख सकते हैं कुछ भी इसमें D696 का, इसके साथ ये कलर भी मैचिंग कर सकते हैं। चाहिए तो आप 3A08
H3 2 का कलर भी इसके साथ मैच कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि D696 का कलर ही इसके साथ मैच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो और इसके साथ में जो कलर आने वाला है वो जो ज़्यादा लोग लेते हैं, जिस तरह के येलो हो गया, हल्दी कलर, यानी कि बहुत ही येलो डार्क ले लेते हैं, जैसे कि इस तरह का ये कलर, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको ना लें और घर पे तो ज़रूर ना लगाएं, क्योंकि ये नंबर है इसका 3D0251। ये कलर लगाने से घर की बहुत ही लुक चला जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ जो है तो बहुत सारे कलर इसके साथ मैच हो सकते हैं, मैच करने की कोशिश करें, देख लीजिए। मैं जो यहाँ पर इसके साथ कलर जो अभी इसके साथ मैच करूँगा, ये डार्क कलर है 6T1429 का। इसके साथ मैच करने के बाद भी ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह लगाते हैं, पता नहीं उनको क्या पसंद है। मैं जो इसके साथ कलर मैच करने वाला हूँ, ये डार्क कलर के साथ 7P16A18 का कलर इसके साथ फुल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि मैंने पहला डार्क कलर लेके उसके साथ लाइट कलर भी मैच किया है। अगर ये कलर पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर मंगा के आप घर पर इस्तेमाल ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ में और एक कलर भी लगता है जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है, वो कलर है 5D1088। इसके साथ ये भी कलर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, जो कि डार्क कलर हर एक दीवार पे नहीं लगाना चाहिए। डार्क कलर हर एक दीवार पे यानी घर पे हर जगह भी लगा देंगे तो घर की लुक ही बिगड़ जाएगा। जितना भी आप डेकोरेशन कर लो या फिर जो भी, अगर आपने घर में प्लास्टर वगैरह लंबी वॉलकर पुट्टी वगैरह अच्छा भी किया ना, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मैंने जो कलर भी यहाँ पर बना के निकाले हैं, ये चुन चुन के निकाले हैं, पूरे 15 कलर हैं। आप चाहे तो इसको नोट करके घर पे कोई रूम पे हॉल पे लगा सकते हैं। जो ये कलर इसके साथ मैचिंग होने वाला है 1P0001, ये कलर लाइट कलर जो लेफ्ट और राइट में दिख रहा होगा, इसके साथ फ्रंट वॉल में आपको जो डार्क कलर दिख रहा है कॉम्बिनेशन का, जिसमें 7A0331 है, ये कलर भी आपको इसके साथ ही मैच करना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा नज़र आने वाला है। ये डार्क कॉफ़ी कलर नहीं है, ये लाइट कलर है। अगर इसमें आपको अंदाजे से कॉफ़ी कलर लेने जाएंगे तो शायद आपको बहुत ही अच्छा नज़र नहीं आएगा। पर्पल कलर की बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। पर्पल कलर की क्या है कि ज़्यादा मार्केट है, यानी कि ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं। पर्पल कलर वैसे तो डार्क ज़्यादा आता है, मैं कहूँगा कि आपको 6T1389 का कलर ही ले लें। इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप चाहे तो 6D3239 का कलर भी इसके साथ ले सकते हैं। ये दोनों पर्पल ही है, मगर ये इतना ज़्यादा डार्क पर्पल नहीं है जो साइड में था। चलिए, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये लाइट पिंक कलर है, ये पिंक कलर है, मगर आपको शायद वो ज़्यादा आपको पर्पल में दिख रहा होगा। ये कलर का नंबर है 1T0452। ये कलर के साथ अगर आप मैचिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा डार्क ही कलर मैचिंग करें, क्योंकि ऑलरेडी पिंक ही डार्क कलर है 6D1391 का। अगर आपको यही जो डार्क कलर है ये अगर पूरी रूम पे लगाया जाए, जैसे कि इस तरह से, कुछ अच्छा नज़र नहीं आने वाला है। जो भी मैंने कलर पसंद किया है, ये कलर आपको चाहिए तो बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं पिंक कलर पसंद किया, ये जो डार्क पिंक है पर भी चल जाएगा, बाहर के लिए तो नहीं चलेगा, अंदर के लिए ज़रूर चलेगा। पर्पल कलर है जो कि ये वाला, इसके साथ में आने वाला है जो बिस्किट में नज़र आने वाला, यानी साइलेंट में। कलर के नाम अलग अलग है, नंबर मैंने यहाँ पे आप पहले जो वीडियो में देखा था लुक किया था। अगर आप डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं तो फ्रंट वॉल पे कर सकते हैं। मैं सारे जो कलर अभी बता रहा हूँ ये सारे लाइट कलर है, इसके साथ कॉम्बिनेशन कलर मैच ही नहीं किया है। आप वॉल पे कलर देख के पहचान सकते हैं, इसके साथ नंबर जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पसंद आ भी गया ना तो प्लीज़ भाई एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, और इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन करने के बाद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा प्लेलिस्ट में लिख के, यानी कि पूरी तरह से डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वहाँ जाके मेरे जितने भी स्प्रे कलर हो या फिर जो भी डिज़ाइन के कलर है ना, वो जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह के ही अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन और भी अलग अलग कलर चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, लेफ्ट या फिर राइट पर क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपको कलर पसंद आया है। फिर मिलूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए करता हूँ बाय।